<تصفيق> <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار मोहतरम भाइयों इस्लामी तारीख से मुतक हमारा ये दर्स जो अब बनी उमैया की खिलाफत के सिलसिले में आपके सामने पेश हो रहा है अमीर मुआविया रदील्लाह की खिलाफत का दौर खत्म हुआ बीस साल तक वो खलीफा रहे उसके पहले बीस साल तक गवर्नर थे और बाद में बीस साल तक खलीफा थे वो और अपनी ज़िंदगी में ही अमीरे मुआविया रबील् तहों ने अपने बेटे यजीद के लिए कि वो खलीफा बनेंगे उनके बाद लोगों से बैत ले ली थी और उसके बाद मुआविया रबी अल्लाह तहों का जब इंतकाल होता है तो उस मौके पर जैसा कि हमने आपके सामने बयान किया पिछले दर्स में कि यजीद मौजूद नहीं थे वहाँ पर और अमीर मुआविया ताला तहों की तकफीन और तदफीन का काम अंजाम पाया और यजीद मौजूद नहीं थे तो अमीर मुआविया रदी अल्लाह तहों ने जो वसीयत की थी उनको वो वसीयत अपने दो महत्मद को अपने दो करीबी और हुकूमत के जो है हैदेदार उनके सामने अपने ये ये वसीयत उन्होंने ज़िक्र किया कि ये वसीयत उनके बेटे तक पहुंचा दी जाए जब उनके बेटे हाजिर हों और इस तरह से वो वसीयत उनके बेटे तक पहुंची, यजीद तक पहुंची। और यहाँ ये यह बात भी एक समझ में आती है जैसा आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है और ये चीज़ रोज़ बरोज बढ़ती जा रही है बहुत कम लोग हैं जो इस पर अमल करते हैं कि वफात के बाद जल्द अज जल्द जल जितनी जल्दी हो सके वफात के बाद तदफीन का अमल पे हो जाए क्योंकि तो अल्लाह के रसूल वसल्लम की हिदायत यही है आपकी ताकीद यही है कि किसी के मरने के बाद जितनी जल्दी उसको दफनाया जा सके लोगों को उतनी जल्दी करनी चाहिए और खामखा इंतज़ार करके लोगों का इंतज़ार करके तदफीन के अमल को लेट नहीं करना चाहिए उसमें तखिर नहीं करनी चाहिए लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब मैं देखता हूँ या पढ़ता हूँ कि बाजमा के बारे में भी कि उनकी वफात हुई तो उनके बेटे कहीं और थे तो उनके बेटे के आने का इंतजार जिसकी वजह से उनकी तदफीन का अमल बहुत ज्यादा जो है लेट हो जाता है और उससे लोग लेट करते हैं ये चीज़ें गलत हैं ये यह हमारे यहाँ एक आखिरी दीदार की जो एक परेशानी लोगों में आ गई है कि जो है अभी फुला को देखना है फला को देखना है फला को आना है ये जो तस्वूर बैठ गया है लोगों के जहनों में ये आखिरी दीदार ये असल में हिंदुओं की तरफ से और उनके यहाँ ये चीज पाई जाती थी और इसको बड़ी अहमियत दे, देते थे कि जब तक जो है उसके सब रिश्तेदार वगैरह देख ना ले अब ये आखिरी मरतबा देखना है अब इसके बाद तो उनको देखना नसीब नहीं होगा तो इसीलिए बाकायदा जो है उसका इंतज़ार करते रहे और जब कोई बड़ी शख्सियत वफात पाती थी तो और अभी भी ये चीज़ है उनके यहाँ तो उसकी जो है तदफिन में उतनी ही ज़्यादा तखीर करते हैं क्योंकि तो उसको देखने आने वालों की तादाद उतनी ही ज्यादा होगी तो ये सब उनके यहाँ उन्हीं के कल्चर से हमारे यहाँ ये यह चीज़ आ गई जबकि हमारा कल्चर ये नहीं था हमारा कल्चर तो ये है और हमारी तहजीब यह है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम की हिदायत यह है कि किसी का इंतज़ार किए बग़ैर जितनी जल्दी हो सके जितनी जितनी देर में क़ब्र की खुदाई होती है और सारे इंतज़ाम हो जाते हैं तदफीन के तो जितनी जल्दी हो सके जनाजे को दफन कर दिया जाए मैत को दफन कर दिया जाए ये हमारे रसूल की हिदायत है और हमने देखा इस सिलसिले में पढ़ा है देखा नहीं पढ़ा है कि शेख अलबानी रहमतल्ला उनके बारे में ये चीज़ पढ़ने को मिली कि जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने बाकायदा वसीयत की थी कि उनके मरने के बाद उनके बेटों के आने का इंतज़ार ना किया जाए इंतज़ार तो दूर की बात है उनके बेटे भी नहीं थे उस वक्त जहाँ पर उनकी वफात हुई तो उनके बेटे नहीं थे वहाँ सफर में थे यानी दोसी जगह रहते थे उनके बेटे उनको सफर करके आना पड़ता तो उन्होंने यहाँ तक जो है वसीयत कर दी थी कि मेरे बेटों को मेरी वफात की खबर भी ना दी जाए जब तक कि मेरी तदफीन ना हो जाए यानी पहले मुझे दफन कर दिया जाए उसके बाद मेरे बेटों को बताया क्योंकि ये खबर देने के बाद क्या होता है कि थोड़ा रुक जाइए मैं भी बस बहुत जल्दी में आऊँगा बस ये फ्लाइट है पकड़ता हूँ अभी आता हूँ तो मुख्तलिफ चीज़ें फिर उनके इंतजार में तखिर होती है तो उन्होंने अपनी जो है वसीयत ये की थी कि उनके बेटों का उनकी औलाद का इंतज़ार न किया जाए आने का बल्कि उनको दफन कर दिया जाए जितनी जल्दी हो जाए उनको दफन कर दिया जाए तो यही इस्लामी तरीक़ा है तो यहाँ ये बात भी है यार यजीद का इंतजार नहीं किया लोगों ने वहां पर कि यजीद यजीद आएंगे अब वो जो जो है यजीद जो है उनके बेटे ताला, ओके। और उनका बाप से यकीन बड़ा गहरा ताल्लुक रहा होगा तभी तो उनको वली अहद बनाया और जो है दोनों के ताल्लुक से जो है ये चीज दोनों के ताल्लुकात के ताल्लुक से ये बात समझ में आती है कि ये बड़े चहेती और प्यारे रहे होंगे क्योंकि उन, उनके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया कि उनको अपने बाद खलीफा बनाए जाने के लिए लोगों से उन्होंने बयत ली थी कि ये मेरे बाद खलीफा बनेंगे वलिय जिस, जिस पर का एतराज़ बहुत सारे लोगों ने जिस पर एतराज भी किया बादज़ किया लेकिन अब मेरे माविया मसलहत ये समझी कि बैत ले ली जाए ताकि उम्मत जो अभी इकट्ठा हो गई है दोबारा फिर उस तरह के हालात में न पड़ जाए जो पहले थे ये इंतजार इख्तलाफ और जो है ये अलग अलग जो है जो खानों में उम्मत बढ़ गई थी कहीं दोबारा फिर वो शकल ना पैदा हो जाए तो उन्होंने अपने इस बेटे पर भरोसा जताया इसको लेकर के और उन्होंने उनको वली अहद बनाया और जब वसीयत भी की है तो अपने साथियों को क्या कहते हैं कि ये वसीयत मेरी पहुंचा देना उसमें कहीं ये जिक्र नहीं आता है कि वो बहुत गुस्सा हुए कि उसको तो यहाँ रहना चाहिए था वो कहाँ है क्यों नहीं आया या जल्दी उसको बुलाओ ऐसा कुछ भी नहीं जो है ये तरीक़ा रहा है अहले इस्लाम का ये तरीका रहा है मुसलमानों का और किसी की वफात होती है तो जितनी जल्दी हो सके उसकी तदफीन का अमल होना चाहिए अब उसके बाद जब यजीद जो है की वापसी हुई है तो यजीद की वापसी कब हुई है जब रदी ताला अन्हों को दफन किया जा चुका था तो यजीद वापस आने के बाद उसने जा करके पहले उस जगह पर जहां उनके बाप को दफन किया गया था पहले वहां गए यजीद और वहां जा करके उन्होंने अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ी वो चार तकबीरों के साथ जनाजे की नमाज पढ़ी नहाया जो की तारीख की बड़ी मशहूर किताब है हिमाबन कसीर रहमत की उसमें उन्होंने उनके जनाजे की नमाज का जिक्र किया है कि उन्होंने वहां पर जनाजे की नमाज पढ़ी और यही तरीका है मैं थोड़ा चूंकि वो मसला मैंने पेश किया आपके सामने तो थोड़ी सी इसकी भी वजाहत कर दू कि अगर कोई शख्स नहीं है उस वक्त वहाँ पर कोई रिश्तेदार चाहे बेटा ही क्यों ना हो नहीं है तो बजाय इसके कि उसके आने का इंतजार किया जाए मसला क्या है भाई जनाजे की नमाज का है तो आने का इंतज़ार किया जाए इसके बजाय होना ये चाहिए कि वक्त पर दफन कर दिया जाए जितनी जल्दी हो सके दफन कर दिया जाए और जब वो हाजिर होगा बेटा या जो भी रिश्तेदार है अगर वो जनाजे की नमाज में नहीं आ सका है तो वो कब्र पर जा कर के जनाजे की नमाज पढ़ सकता है ये जायज़ है जनाजे की नमाज कब्र पर जाके पढ़ी जा सकती है और नमाज़ें कब्रस्तान में पढ़ना जायज़ नहीं है लेकिन जनाजे की नमाज पढ़ी जा सकती है वो शख्स पढ़ सकता है जो नहीं पढ़ा है जनाजे की नमाज तो वहीं कब्र पर जा करके वो जनाजे की नमाज पढ़ सकता है तो ये जायज़ है तो यजीद ने जा करके सबसे पहले वो पहुँचने के बाद अपने कब्र अपने बाप की कब्र के पास जाकर के उसने जनाजे की नमाज पढ़ी उसके बाद जब वो कब्रस्तान से निकला वहाँ से तो फिर खिलाफत की जो सवारियाँ होती थी उसके जो लवाजिमात होते थे वो सब जो है अब चूंकि वही अब खलीफा है पहले से जो है उसके ताल्लुक से ये बात हो चुकी है अमीर मुआविया रजी अल्लाह त जिंदगी में ही तो अब यहाँ से उसको उसी अंदाज से ले जाया गया कब्रस्तान से कि निकलने के बाद क्या वो खलीफा है इस तरह से ये शहर में दाखिल हुए यजीद और हुक्म दिया कि लोगों को इकट्ठा किया जाए लोग इकट्ठा हुए और ये अपने घर गए सफर से आने के बाद पहला काम तो वही किया कि अपने बाप की कबर पर जा के अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ी और उसके बाद ये अपने घर गए हैं जो पहले था जो अमीर मुआविया रदील्लाहो ने एक महल बनाया था वहाँ पे जिसको खबरा कहते थे खबरा का मतलब होता है ग्रीन ग्रीन पैलेस जो है वो जो है उनका मुआविया रदिया का महल था वो अपने घर वही घर है इनका भी जो है ये अपने घर गए और वहाँ जा कर के गसल करके नहा करके अच्छे कपड़े वगैरह पहन करके और निकले लोगों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया था सब लोग इकट्ठा हो गए तो आ करके इन्होंने लोगों के सामने एक खुतबा दिया ये तरीका रहा है कि जब भी कोई खलीफा बना है तो खलीफा की पहली स्पीच लोगों के लिए लोगों के सामने वो पहली स्पीच देता है आज भी जो है ये मिनिस्टर वगैरह जो बनते हैं और जो भी वजीर आजम वगैरह बनते हैं ना वो जो है प्राइम मिनिस्टर वगैरह किसी भी मुल्क में तो उसके बाद स्पीच देते हैं लोगों को एक पैगाम देते हैं तो ये बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तनों के दौर से ये सिलसिला चल रहा है जब अबूबकर सिद्दीक रजियल्ला को खलीफा बनाया गया तो उन्होंने भी खलीफा बनने के बाद लोगों के सामने एक स्पीच दी ये अलग बात है कि इनके जो खुतबे होते थे जो स्पीच होती थी इनकी ये बड़ी मुख्तर होती थी यानी आज के जमाने की तरह से वो घंटों जो है या आधा घंटा एक घंटे का नहीं बस जो है मुश्किल से पांच मिनट यानी बहुत ज्यादा अगर मैं कहूँ तो पांच मिनट वो जुमे के खुतबे भी उस जमाने में ऐसे ही होते थे वो तो आजकल जो है हमारे खुतबा लोगों ने खामखा जो है इनको बड़ा टाइम बढ़ा दिया है अपनी वाह के लिए इन्होंने उम्मत के इस मसले को ऐसा कुर्बान कर दिया है अपने फायदे के लिए कि आप उसका तस्वर नहीं कर सकते तो यजीद ने क्या किया यहाँ पर अब जो है अब खलीफा है तो अच्छी तरह से नहा धोकर के कपड़े पहन करके लगे कि खलीफा हैं ये लोगों के सामने हाजिर हुए और लोगों को खुतबा दिया एक स्पीच दिया उसमें उन्होंने कहा अम्मा बाद फक्योनास ए लोगो मैं उन वो जो स्पीच पेश करता हूँ जो खलफा गुजरे हुए हैं उनकी जो पहली स्पीच होती है तारीख की किताबों में खास तरीके से वो स्पीच जिक्र की जाती है क्योंकि तो उसी से वो पता चलता है कि वो अपनी हुकूमत किस तरह से चलाएंगे कैसी जो है उनकी हुकूमत का अंदाज होगा तो यजीद बिन मुआविया ने भी जो पहली स्पीच दी और जो तारीख़ की किताबों में जिक्र है और बाकायदा ये जो है अलबिदाया व नहाया में इमाम इबन कसीर ने भी ये स्पीच जिक्र की है उसका तर्जमा मैं उर्दू में आपके सामने पेश करता हूँ तो यजीद ने कहा अल्लाह के, के बंदों में से एक बंदे थे ये भी अल्लाह के एक बंदे थे अपने बाप के बारे में कह रहे और यही है एक सच्चा पक्का अकीदा एक मुसलमान का चाहे कोई भी हो ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी की वफात हो गई तो आज के दौर में लोग गैर मामूली आप देखेंगे कि लोगों का यानी उतना जो है शरीयत के अंदर उस चीजें नहीं है लेकिन देखेंगे कि लोग ऐसा जाहिर करते हैं किसी की वफात होने के बाद रोना धोना कुछ इस अंदाज का हो जाता है और अगर कोई शख्स उस वक्त थोड़ा भी रो नहीं रहा है या गम नहीं जाहिर कर रहा है तो समझते हैं कि शायद ये मुसलमान ही नहीं है मैं अपने बारे में जो है बताऊं आपको अभी मुझे कुछ चीजें जो है याद आ जाती है जब यजीद के बारे में ये जो है आपके सामने पेश कर रहा था तो मुझे अपने बारे में एक चीज याद आई मैं यहाँ बेंगलोर में था तो मेरे वालिद का इंतकाल हुआ मेरे अपने शहर में जो नेटिव प्लेस है वहाँ पे मेरे वालिद का इंतकाल हुआ मैं यहीं पे था बेंगलोर का था तो ख़बर आ जाती है फ़ौरन अब चुके अब आजकल तो मोबाइल का दौर है तो फौरी तौर पर ख़बरें पहुँच जाती है तो खबर पहुँची वालिद के इंतकाल के ताल्लुक से अब एक मुसलमान को क्या करना होता है बहरहाल अब उस वक्त मैं किसी इसमें था जिस वक्त मुझे यह खबर पहुँची थी उस वक्त बेंगलोर में हदीस हिफ हदीस का यानी हदीस मेमोराइजेशन उसका एक कंपटीशन हो रहा था तो उसमें एक जज की हैसियत से मैं भी जो है बुलाया गया था तो मैं उसी में था उस वक्त यानी बाकायदा एग्ज़ाम दे रहा था और उसी दौरान ये खबर आई थी खबर आई मैंने अपना वो काम पूरा किया पहले यानी जो भी जो है मामला है जो जब तक एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम पूरा किया हो उसके बाद <coughs> कुछ लोगों को बताया कि जो है ऐसा है वाले साहब का हमारे इंतकाल हो गया है दुआ की दरख्वास्त होती है ना कि जो है लोग जो है दुआ करें उसके लिए इंतकाल की खबर दी जाती है तो हमारे बाज जो है मिलने वाले और चाहने वालों ने पेशकश की हमको कि अगर जो है हम आपके लिए टिकट का इंतजाम करते हैं जाने के लिए बाकायदा वो इसार भी करने लगे कि हम आपका पूरा जो है इंतजाम कर रहे हैं फ्लाइट से आपके जाने और आने का सामने कहा कि नहीं मैं जाने वाला नहीं हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ जो कुछ मुझे करना है मैं यहीं से जो है अपने वालिद के लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो जो हक होता है वो मैं यहीं से कर सकता हूँ और मेरे जो है जाने के लिए अगर थोड़ा सा भी मैं ये इशारा दे दूं कि हाँ मैं जो है फ्लाइट देख रहा हूँ कि कौन सी फ्लाइट आ रही जाने वाली है और मैं जो है पहुंचने वाला हूँ तो जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा तब तक तदफीन का काम अमल में नहीं आएगा और फोन आते ही मैंने फौरी तौर पर ही कह दिया था कि वो लोग तदफीन का जो भी काम है फौरी तौर पर अंजाम दें और मेरा इंतज़ार नहीं करेंगे मैंने साफ मना कर दिया था और मैंने ये कह दिया था कि मैं जान में सफ़र करने वाला नहीं हूँ उसके लिए कहीं भी ये ये साबित ही नहीं है कि किसी सहाबी ने या अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद अल्लाह के रसूल वसल्लम में किसी का मदीने में इंतकाल हुआ हो सफ़र में रहे हो और खबर पहुंच गई हो तो फौरी तौर पर आप वहां से सफ़र करके मदीना आए हो और ताकि जनाजे की नमाज में शिरकत करें कहीं भी ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं है जनाजे में शिरकत के लिए सफ़र करके जाना ये कहीं साबित नहीं है और ये अजीब बात है अरि मैं आपको ये भी जो है बता दूं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लम की बेटी का इंतकाल हुआ आप बद्र की लड़ाई में थे बद्र की जंग आप जानते हैं कि बद्र का जो इलाका है मदीने से बहुत दूर नहीं है जो घोड़ों की सवारी थी उस जमाने में ऊंट की सवारी घोड़े की सवारी तेज दौड़ाएंगे तो बस ये चंद घंटों का फासला कोई बहुत दूर नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हाजिर होना चाहते तो वो जो है बद्र के मौके पर जब उनकी बेटी का इंतकाल हुआ था और आप बदर में ही थे बदर के मैदान में थे तो आप किसी भी सहाबी को कमांडर बना करके चले आते थे ताकि अपनी बेटी की जो है जो तदफीन में और जनाजे की नमाज में क्योंकि आपकी जनाजे की नमाज की तो और भी ज़्यादा अहमियत है कि आप जनाजे की नमाज पढ़ाएं या जनाजे की नमाज में शिरकत करें लेकिन फिर भी आप नहीं आए थे आपकी बेटी की तदफीन का काम मदीने में हुआ लेकिन आप आए नहीं मदीना जबकि आप बहुत दूर नहीं थे तो यही चीज़ थी ऐसे ही दूसरे सहाबा भी कभी भी ये साबित नहीं है कि किसी साहबी ने किसी के यहाँ जनाजे की नमाज में शिरकत के लिए सफर करके गए हो वहां पर और उसका इनका इंतजार किया गया हो ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने जो है मना कर दिया मैं अपने बारे में कह रहा था आपसे मना कर दिया और कहा कि नई तदफीन जैसे है वैसे होगी उसके बाद छुट्टी के मौके पर मेरा सफ़र था घर जो है छुट्टी के मौके पर उस वक्त मैं घर जाया करता था अब वालदे नहीं हैं तो अब नहीं जाता हूँ अब जो पहले गर्मी की जब छुट्टी होती थी सारे बच्चों की भी छुट्टी होती थी तो हर साल मैं घर जाया करता था तो जब घर जो है छुट्टी में गया तो जा करके पहला काम यही हुआ कि घर पहुंचने से पहले अपने जो है एक भाई को लेकर के पहले कब्रस्तान गए कि जो है चलो कब्र दिखाओ वाले साहब की वहाँ जा कर के जनाजे की नमाज पढ़ी अपने बेटे को लेकर के साथ में गया और जनाजे की नमाज जा कर के वहाँ पर अदा की फिर अपने घर गए ये यह तरीक़ा यही होता है जो अभी हमने आपको बताया ये यजीद ने जो किया यही असल में इस्लामी तरीक़ा है कि अब नहीं थे तो पहले आने के बाद बाप की कब्र पर गए और वहां जाकर के जनाजे की नमाज पढ़ी अब बाप का इंतकाल हुआ है अभी बैठ करके के गम मनाएंगे ये कर ऐसा कुछ नहीं और गए घर पे घर पे जा करके जो है नहा धोकर के कपड़े पहने अपने एक खिलाफत एक खलीफा के जो शान होती है उसके लिहाज से और लोगों में आकर के जो है ये स्पीच दे रहे ऐसा नहीं कि कुछ दिन जो है अभी गम मनाएंगे उसके बाद जो है कोई चीज होगी ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में बस जो है कोई शख्स अगर किसी के इंतकाल पर बहुत ज्यादा उसको तकलीफ है परेशानी दुख है तो ज्यादा से ज्यादा कितना तीन दिन तक ही उसको जो है रखा गया है लेकिन ये जरूरी नहीं होता है यानी आदमी एक दिन भी गम ना मनाए एक घंटा भी गम ना मनाए किसी की वफात पर तो ये तो सब्र का बड़ा ऊंचा दर्जा होता है उम अगर खवातीन ये बात सुन रही हो तो उनका सब्र जो है जिक्र किया गया खास तरीके से देखें उनके अपने बेटे का इंतकाल हुआ अभी घर में बेटे का जनाजा मौजूद है लेकिन जो है वो शोहर नहीं थे तलहा काम से गए हुए थे वो भी जानते थे कि बच्चा बीमार है और ये घर में खाना पकाती है बच्चे के जनाजा एक तरफ घर में रखा हुआ है ये खाना बनाती है उस वक्त बनाओ सिंगार करती है शोहर के लिए तैयार होती है शोहर आते हैं बच्चे का पूछते हैं तो कहती है कि बच्चा बड़े आराम से है उनका ये था मकसद कहने का कि अब जब इंतकाल हो गया है तो एक बच्चा आराम से ही है जब तक बीमारी में था तो तकलीफ में था अब इंतकाल हो गया है तो आराम में उन्होंने समझा कि शायद बच्चे की तबीयत सही हो गई है उन्होंने भी खाया उनके साथ सब जो है मिल करके खाना खाया घर में बच्चे की लाश मौजूद है घर के अंदर और उसके बाद जो है दोनों का शोहर और बीवी का जो ताल्लुक होता है वो भी जो है दोनों ने कायम किया और उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल वसल्लम के पास आसमान से वही आ जाती है अल्लाह ताला को इनका ये सब्र जो बहुत पसंद आया और उस रात उनको जो अल्लाह ताला ने मजीद एक जो है बच्चे की यानी उसी रात उनको हमल भी ठहरा सुलेम को और जब ये पहुंचे थे फजर की नमाज में अल्लाह के वसल्लम ने बता दिया कि मुझे पता है जो है तुम्हारे ताल्लुक से यानी वही आ चुकी है कि तुम्हारे घर में क्या हुआ है वो सब मुझे वही के बता दिया गया आपने जो है तारीफ की उनकी और फिर उनके बच्चे बच्चे को जनाजे को उसको जो है पूरा तदफीन और जो है तकफीन का काम अमल में आया उस जमाने में अगर रात में वफात हो जाती थी तो रात में दफन वगैरह करने का इंतजाम जरा मुश्किल होता था तारीख हर तरफ जो अधेरा होता है ना तो रात में ज़रा वो मुश्किल काम होता है तो फिर दिन के उजाले में लोग कर लिया करते थे और कभी जब बहुत ज़रूरी होता था क्योंकि ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे तब जो है रात में ही लाइटों वगैरह का कुछ इंतज़ाम करके जो उस ज़माने में हो सकती थी जो बहुत मुश्किल काम था उस जमाने में भी इंतज़ाम करना आज की तरह से लाइटों का इंतज़ाम करना जैसे आसान है उस जमाने में ये आसान नहीं था तो कोशिश करते थे अगर कहीं जरूरी होता था कि अब मजीद जो है सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते हैं तो वहां रात में दफन भी कर दिया करते थे दोनों चीजें होती थी बरअल मैं ये बताना चाह रहा था आपको तो, कि यजीद ने भी आकर के लोगों के सामने स्पीच दिया तो पहली बात क्या कही कि मुआविया रजी अल्लाह ये भी अल्लाह के बंदों में से एक बंदे हैं ये भी अल्लाह के बंदों में से एक बनते थे अल्लाह तबारक पता जब तक जिंदगी दी जिंदगी दी जब अपने पास बुलाना था बुला लिया यानी यही होता है जब किसी आदमी का इंतकाल हो गया तो हर एक हर एक को लो जो एक दिन जाना ही है कहा उनके बारे में कि किलही अल्लाह ने उनको नेमतों से नवाजा सुबह मकबादी फिर उनको अपने पास बुला लिया और ये तो हर एक के साथ होना है इसी तरह की बात अबू बकर सिद्दीक के दरमियान की थी जब प्यारे नबी वसल्लम तो का इंतजाम हुआ था तो बहल उसने कहा वह खैरू वन और ये भी कहा कि मुआविया रदी अल्लाह बाप हो कि जो बाद में आने वाले लोग हैं उनसे कहीं वो अफजल थे मुआविया अफजल थे बाद में आने वाले जो लोग हैं ना उनसे अफजल और उनसे पहले जो गुजर चुके हैं तो पहले के लोग इनसे अफजल थे यानी उनके अपने बाप मुआविया रदी अल्लाह तन से कहा कि वो अफजल थे उनसे ये होता है देखिए ये हक है जो सही है उसको बयान करते हैं अगर चिके उनके बाप है कभी आदमी होता है कि जब अपना आदमी होता है तो ऐसी तारीफ करना लोग शुरू करते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा आदमी फिर उसी को बना देते हैं तो वैसा कुछ नहीं जो हक है कि पहले जो खलफा गुजरे हुए हैं अमीर मुआविया रदी अल्लाह तु से वो उस सब किस उनसे अफजल थे अमीरे मुआविया रदी अल्लाह तन से अफजल थे लेकिन अमीरे मुआविया रजी अल्लाह तन के बाद जो लोग आ रहे हैं या आने वाले उनसे ये हैं उनसे अफजल ये है और साथ

मुआविया रदी अल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी अल्लाह ताला बेहतर जानता है इन अफा अन्हु फबिरहमतिही कहा अगर अल्लाह ताला उनको माफ कर दे अमीर मुआविया रदी अल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला अगर माफ कर दे तो ये अल्लाह ताला की रहमत है यही इस्लामी अकीदा है वही अकीदा जाहिर हो रहा है पूरी इस स्पीच में कहा कि माफ कर दे तो ये उसकी रहमत है व इन आका बेदम्बे ही और अगर उनको सजा दे तो ये उनके किसी गुनाह की वजह से हो सकता है लेकिन बहरहाल यही उम्मीद रखी जाती है किसी भी मरने वाले के तल्लुक से और दुआ भी यही की जाती है कि अल्लाह तबारक वाली उनको अपनी रहमतों और मगफरत के जो है सये में रखे और अपनी रहमत और मगफरत से अल्लाह तला उनको ढांप ले उन पर अपनी रहमतों की बारिश करें ये बात मैं जो है पेश कर रहा हूँ तो ये जिक्र की यजीद ने कि अल्लाह ताला उन पर जो है अगर उनको माफ़ कर देगा हर इंसान से कुछ ना कुछ तो कमियां हर एक में होती हैं इंसान हैं तो इंसानों से गलतियाँ भी होती हैं और गलती होने का इम्कान तो रहता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो अल्लाह ताला उनको माफ़ करेगा तो अपनी रहमत से माफ़ कर देगा और अल्लाह ताला की रहमत से यही उम्मीद होती है मैं ये बात अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि यही हर मुसलमान कहता है और हर मुसलमान को यही कहना होता है और हर मुसलमान को अल्लाह अच्छा की रहमत से ये उम्मीद रखनी होती होती है उसके बाद कहा कि वक़द उली तो कहा कि मैं उनके बाद अब खलीफा बनाया गया अब मुझे खलीफा बनाया गया अब मेरे हाथ में ये हुकूमत है मुझे इसकी कोई तलब तो नहीं और न ही अगर ये मुझे न मिलती तो इसका मुझे कोई गम होता ऐसा भी कुछ नहीं और मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर मुझसे कोई कमी होगी तो मैं उसके लिए कोई एक्सक्यूज भी नहीं करने वाला हूँ यानी अगर कमी है तो बाकायदा कमी पर आप लोग मेरा मुहासबा कर सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं मैं कोई एक्सक्यूज नहीं करूँगा अगर मुझसे गलती हुई है तो वाकई मैं अपनी गलती को सुधारूंगा जो है वहीद्ला और अल्लाह जो कुछ भी चाहता है जो भी अल्लाह चाहता है अल्लाह तबारक तआला जो चाहेगा वो सब हो करके रहेगा और अपने इस खुतबे में उन्होंने ये बात भी जिक्र की कि मुआविया ने तो समंदर की फौज जो है बनाई बहरी बेड़ा वो मैंने आपको पहले बताया था उनके दौर की एक बड़ी ख़ास बात ये थी कि उन्होंने जो है बहरी बेड़ा फौज का इस्लामी बहरी बड़ा उन्होंने अपने दौर में तैयार कराया उससे पहले इस्लामी फौज में ये चीज नहीं पाई जाती थी तो उसका भी जिक्र किया कि उन्होंने तो बायदा समंदर की जंग के लिए भी आप लोगों को तैयार किया लेकिन मैं किसी भी मुसलमान को किसी खतरे में नहीं डालना चाहूँगा वह इन न मुआवीत का नुश्ति कुमार रोम के इलाके में बड़ी सर्दी भी पड़ती थी तो मुआविया रदी अल्लाह सर्दी के सख्त जो है सर्दी के वक्त में भी रोम में फौज भेज दिया करते थे तो कहा जंग के लिए जो भी वहाँ पर एक महाज था और वो एक जो है था ऐसा इलाका जहाँ मुसलमानों को बराबर जंग करनी पड़ती थी तो अमीर माविया रदील्ला इसके लिए बराबर कोशिश करते रहते थे वो बातें भी उनके दौरे खिलाफत में आ चुकी हैं तो इसने कहा यज़ीद ने कि मैं किसी को किस इस तरह की तकलीफ में मुबतला नहीं करूँगा यानी ऐसा ना हो कि सख्त सर्दी में आपको जाकर के वहाँ पर दुश्मन के इलाके में जो सख्त सर्दी का इलाका है जिस सर्दी को आप नहीं जानते हैं और वहाँ जा के आपको कोई परेशानी हो तो मैं ऐसा जो है नहीं करूंगा मैं जहाँ कहने का मतलब जहां तक हो सके आप लोगों की आसानी और आप लोगों का ख्याल रखना है वो तो मैं पहले उसको तरजीह दूंगा आप लोगों की सहूलत को आप लोगों की आसानी को और कोई परेशानी आपको ना हो मैं अपनी तरफ से आपको किसी परेशानी में डालना नहीं चाहूंगा उसने ये भी कहा कि मैं मुआ, मुआविया रजी अल्लाह तु तो आपको जो भी देते थे जो वजीफे लोगों के मुकर होते थे जैसे आजकल भी बहुत से लोगों के वजीफे मुकर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन वगैरह मिलती रहती है वो वजीफा ये पेंशन समझ लीजिए आज के दौर की तो उस जमाने में जो पेंशन वगैरह का था कि बाकायदा जो है हुकूमत की तरफ से लोगों को जो मिलती थी तो अमीर मुआविया रजियाल उसे तीन हिस्सों में करके तीन किस्तों में करके देते थे जो है उनका तरीका यही था ये यह इंस्टॉलमेंट कह लीजिए आज के दौर के लिहाज से कि जो है तीन हिस्से में बांट करके उसको पूरे साल का दिया करते थे तो इसने कहा कि वाना आजमाकम की मैं तो आपका जो भी पेंशन बनेगा ना एक ही मरतब मैं पूरा आपको देता आपको उसके लिए भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि पूरे साल में तीन मरतबा अलग अलग जो है मौके पर आपको दूँ बल्कि एक ही मरतबा दे दूंगा फ्तर लाई अहद तब उसके बाद लोगों ने ये स्पीच सुनी लोग वहाँ से गए वापस तो बड़े खुश थे वो लोग और जो है यजीद की इस सियासत और यजीद की इस तरह के अंदाज को लोगों ने बेहतर समझा और अपने लिए इनको बेहतर समझा और बाकायदा वहाँ से लोग खुशी खुशी वापस गए उसके बाद इस खुतबे के जरिए से यजीद ने शाम तब शाम का इलाका है शाम के इलाके में ही जो है चूंकि वही दारुल दारखिला था वही कैपिटल सिटी था तो ये जो भी स्पीच वगैरह वही वही हुई वही के लोग उसके अंदर थे और इससे पूरा ये अंदाजा होता है कि यजीद ने ऐसी सियासत का इंतखा फरमाया जिसमें वो लोगों को खुश रख सके और लोग उसकी जो है सियासत से और उसकी हुकूमत से खुश रहें खास तरीके से शाम वालों का जहां पर ये स्पीच हुई है वहां के सारे लोग उससे जो है बहुत खुश थे भी और इस स्पीच के बाद भी उनको जो है बहुत खुशी हुई उससे ये वो वक्त था जब यजीद के हाथ में हाथ पर जो है बैत लोगों से ली गई और उसने बाकायदा जो है स्पीच ये दी तो ये रजब का महीना था और हिजरत का साठवाँ साल था यानी सिक्सटी जो है ये हिजरत का ये सिक्सटी ईयर ये, ये पहले भी आपके सामने आ चुकी है बात कि इसी साल अमीर माविया रदी अल्लाह इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल वही रजब का महीना तो उनके इंतकाल के जश्न बाद ही इनको जो है इनके हाथ पर बैत की गई तो यहाँ से इनकी खिलाफत की शुरुआत होती है अब उसके बाद जो है खलीफा बनने के बाद बैत लेना होता है लोगों से बैत ये हाथ पर हाथ मारा जाता है एक तरह का ये अहद होता है एक वादा होता है कमिटमेंट होता है कि जो है हम आपकी हुकूमत में आपके साथ साथ रहेंगे और जो भी आप कहेंगे हम सुनेंगे और जो आप कहेंगे हम मानेंगे आपकी इताद करेंगे ये एक तरह का अहद होता है जो लोगों से लिया जाता है इसी को बैत कहा जाता है तो पहले बैत ली जा चुकी थी अमीर मांग रजियाल्ला के दौर पर लेकिन वो बैत क्या थी कि ये खलीफा बाद में बनेंगे लोग उसके लिए राजी रहेंगे अब जब ये खलीफा बन गए तो खलीफा बनने की बैत फिर से सब सब लोगों से खलीफा बनने की बैत ली गई तो ये शाम के इलाके में थे तो शाम का इलाका वहाँ पर लोगों ने आकर के इनके ऊपर जो है बैत की और शाम का पूरा इलाका इनकी ऊपर जो है बैत किया और इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि अब खलीफा होने के लिहाज से इनके लिए बैत ली गई शाम के इलाके में किसी ने भी इस बैत के लिए मुखालफत नहीं की उसके बाद बचता है इराक़ का इलाका मिस्र का इलाका ये उस जमाने के जो है इस्लामी हुकूमत और इस्लामी खिलाफत के स्टेट्स से थे, थे कह लीजिए तो इराक़ का एरिया एक बड़ा अहम एरिया माना जाता था मिस्र का इन सब इलाक़ों में भी सब लोगों ने बैत कर ली अब तीसरा जो है चौथा बल्कि कह लीजिए ये जाज का एरिया होता था मक्का मदीना वगैरह का तो ये जो एरिया था यहाँ पर कुछ लोगों ने मुखालफत की बेत की तो सब ने वह जो है बैत कर ली सिर्फ दो आदमी का नाम <coughs> तो उन्होंने बैत नहीं की एक तो हुसैन बिन अली रज्ल मशहूर सहाबी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आपके बहुत चहेते और जिनके बड़े फजाइल हैं हुसैन बिन अली तआला अनहु इन्होंने बयत नहीं की और दूसरे अब्दुल्ला बिन जुबैर तआला तम उन्होंने भी जो है बयत नहीं की और अमीर माविया रदील्ला ने जब बैत लेनी चाही थी अपने दौरे खिलाफत में वली अहदी की यानी मेरे बाद मेरे बेटे यजीद खलीफा बनेंगे तब भी इन्होंने अपोज़ किया था और उस वक्त भी अपोज़ करने वालों में दूसरे बाद सहाबा भी थे उस वक्त लेकिन जब बैत खिलाफत की हुई तो उस मौके पर दूसरे तमाम सहाबा ने भी बैत कर ली मक्का मदीना में सिर्फ ये दो सहाबी हुसैन बिन अली रजियाल्लामा और अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तमा ये दोनों बैत नहीं किए और दोनों के आगे चल करके क्या मसाइल हुए क्या बातें हुई उसकी वजह से आगे चल करके इनकी बैत न करने का क्या वो सारी बातें इनशाला आपके सामने आएंगी बकिया सहाबा चाहे मक्के में हो मदीने में हो या इराक़ के इलाके में हो मिस्र के इलाके में हो कहीं भी हो सारे सहाबा ने भी बैत कर ली थी बाद मशहूर साहबा जो उस वक्त जिंदा थे अब्बास रदी अल्लाह तुमा अब्दुल्ला बिन जुबैर अब्दुल्लामर रजील् तहुम और मोहम्मद बिन हानाफिया खुद हुसैन के भाई अली रदी तनों के एक और बेटे ये मोहम्मद बिन हानफिया इनका जिक्र ख़ास तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हुसैन के भाई है और अली रजी अल्लाह तहों के बेटे हैं लेकिन फातिमा रजियला तहा से नहीं है तो ये मोहम्मद बिन हानफिया और जाहिर सी बात है कि ये सहाबी भी नहीं है तो कहीं मैं सहाबा की बात कर रहा था तो कहीं आप ये ना समझने लगे कि ये भी शायद सहाबी होंगे तो ये साहबी भी नहीं है लेकिन इनका जिक्र ख़ास तरीके से इसलिए किया जा रहा है कि ये भाई थे हुसैन रजी अल्लाह बाप एक ही हैं दोनों के तो ये मोहम्मद बिन हनफिया इन्होंने भी यजीद के हाथ पर बैत कर लिए और सब लोगों ने मैंने आपसे कहा बैत की सेवाए इन दो सहाबा के जो अब्दुल्लाह बिन बिन जुबैर और हुसैन अली अब हुआ मजमी इनके अलावा सब ने जो है बैत कर ली बैत जो है शाम के इलाके में तो खुद यजीद की ने जो है चूंकि वही कैपिटल सिटी था तो वहाँ पूरी बैत का मामला हुआ लेकिन जहाँ पे ये जो इलाके दूर थे जो दूसरे स्टेट्स थे इराक का मिस्र का या जो है कहिए यमन का एरिया फिर जो है ये हिजाज़ का एरिया इन इलाकों में जो गवर्नर थे गवर्नरों को हिदायत दे दी गई कि ये लोग यजीद के लिए अपने इलाके के लोगों से बैत ले लें अब यजीद तो हर जगह नहीं जा सकते थे इसीलिए वहाँ के गवर्नरों से ये कह दिया गया उनको ये हिदायत कर दी गई कि आप अपने इलाके के लोगों से बैत ले लें उस वक्त जो गवर्नर थे तो मदीने में वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान वो गवर्नर थे मक्के में अमर बिन सईद बिन आस गवर्नर थे खूफे के नुमान बिन बशीर गवर्नर थे और बसरा के अमीर उबैदुल्लाह बिन जियाद थे तो ये गवर्नर जो कि अमीर माविया रजी अल्लाह के दौर में इन्हें गवर्नर इन इलाक़ों का बनाया गया था तो यजीद ने अब इनको जो है बाकी रखा और इनको ये हिदायत की कि अब ये सब की सब यजीद के लिए बैत ले लें मैंने आपसे कहा कि सब ने जो है बैत की जब उनसे बैत ली गई सिवाय हुसैन और अब्दुल्लाह बिन जुबैर रौदी ताला अन्हुम अजमैन इनके अलावा सब ने बैत कर ली थी अब इन दो का मामला क्या हुआ किस तरह से जो है परेशानी हुई बाकायदा यजीद ने इस मामले में बड़ी सख्ती भी की कि इन्हें भी बैत करना ज़रूरी है तो उसने जो है ताकीद इसकी भी फरमाई जो गवर्नर थे मक्के मदीने के मदीने के गवर्नर को ख़ास तरीके से ताक़ीद फरमाई कि इन दोनों से भी बैत ली जाए और बाकायदा इसका इसरार किया और कहा कि किसी को भी छोड़ना नहीं है जब तक कि वो बैत न करे तो बहुत जो है इस सिलसिले में सख्ती दिखाई यजीद बिन मुआविया रजी अल्लाह तुम्हारा यानी यजीद और मुआविया दोनों के ताल्लुक से ये दुआ तो ये उन्होंने थोड़ी सख्ती दिखाई इस मामले को लेकर के कि इनको भी बाकायदा बेत करनी है इनसे बेत लेनी है लेकिन जो उस वक्त मक्के मदीने के गवर्नर थे मदीने के गवर्नर अभी मैंने आपसे कहा वलीद बिन उतबा बिन अभी सुफियान इन्होंने बहरहाल उतनी सख्ती नहीं की इन दोनों पर जिस तरह की सख्ती का मुतालबा खिलाफत की तरफ से हो रहा था अब ये दोनों मशहूर सहाबी भी थे और मदीने में इनका अपना एक मकाम भी था और लोगों की निगाहों में इनकी अपनी हैसियत भी थी तो इनके साथ उतने सख्ती के साथ पेश आना उनको लगा अच्छा नहीं है और बहरहाल दोनों चूंकि भी हैं में भी बड़ा मशहूर जो है बड़ा ऊंचा मकाम है इनका और खास तरीके से हुसैन अल्लाह हु, रबील प्यारे नबी सल्लल्लाहु नवासे जिनसे आप खेला करते थे जिनसे आप बड़ी मोहब्बत करते थे जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा भी था कि ये मेरे जन्नत के दो फूल हैं हम रे जन्नती ये जो है हसन और हुसैन तआला अनहुमा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये मेरे दोनों जन्नत के फूल हैं और बड़ी मोहब्बत रखते थे आप इनसे तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें जो है सामने रहने की वजह से ही मदीने के गवर्नर वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान इन पर ज़्यादा सख्ती नहीं किया उन्होंने इसको लेकर के न इनको क़ैद किया नहीं ही इनके ख़िलाफ़ कोई सख्त कदम उठाया कि इन्होंने कि जब तक ये बैत नहीं करेंगे तब तक, तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं ऐसा कुछ उन्होंने इकदाम नहीं किया लेकिन यजीद की तरफ से ये इसरार बढ़ता जा रहा था कि इन दोनों को छोड़ा न जाए बल्कि इनसे बैत ली जाए वो इसरार था और इधर जो है ये दोनों बेत नहीं करना चाहते थे जिसकी वजह से अब उन्हें लगा कि शायद मदीने में उनके साथ कुछ सख्ती की जा सकती है तो ये दोनों मक्का चले गए कि मक्के में जब हम खाने काबा के बगल में रहेंगे अल्लाह के घर के पड़ोस में रहेंगे तो वहाँ तो कोई खून खराबा नहीं करेगा और इस तरह से हम वहाँ पर आमान में रहेंगे और उस तरह से हमारी सिक्योरिटी वहाँ पर यानी हम सिक्योर रहेंगे वहाँ रहेंगे तो इस तरह का उन्होंने सोचा और वो लोग मक्का चले गए लेकिन बैत के लिए वो राज़ी नहीं उसके बाद फिर और क्या होता है यहीं से वो इख्लाफा फिर से शुरू होते हैं जिसके नतीजे में हुसैन रजी अल्लाह की पहले शहादत होती है वो करबला का मशहूर वाकया जो आप जानते हैं फिर भी लंबी मुद्दत है उसमें भी क्योंकि ये रजब का महीना था रजब के बाद जब बैत हुई थी यजीद की फिर शाबान का महीना शाबान के महीने में ही बहुत इसरार किया गया इनसे ये लोग मक्का चले गए तो शाबान के महीने से लेकर के मुहर्रम के महीने में वो वक्त किया हुआ है तो ये बीच में बहुत कोशिश हुई है और क्या क्या हुआ उसके लिए जो है इन हफ्ते का इंतज़ार करेंगे तो आइंदा हफ्ते आपके सामने वो बातें पेश की जाएंगी आज का ये दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं वक्त हो गया है अब हमारा दूसरा दर्स नफस, हमारी हो जो कुरान की तफसीर की में होती है अभी हम जो है वो दर्स आपके सामने पेश करने वाले हैं आज का दर्स तारीख का इसी पर खत्म करते हैं सुबह नकल्ला होंगे अस्तरों का शदो